भाई धर्म सिंह, भजन लाल जी का तो कोई तोड़ ना था, पर हम कुलदीप ने वोट क्यों दें इन भाजपा वालों को? तू के कमांग कैसे? अरे राजपाल, तू भी इन विपक्षियों की बातों में आ गया के हैं? तू मैंने ये बात बता भाई, आदमपुर में ऐसा कौन सा लीडर्स है जो हमारे कुलदीप बिश्नोई की बराबरी कर सके? कुलदीप बिश्नोई ने अपने स्तर पर बहुत काम करवाए से आदमपुर में। चौधरी भजन लाल का टाइम लान खातर उसने लठ खाए, रथ और ट्रैक्टर यात्राएं करी से, डानिया में लाइट लगवाई, स्कूलों ने अपग्रेड करवाया, बालका का इलाज करवाया, काना की मशीना बटवाई, यो सारा उसने अपने खर्च पे करे से। तू मैंने यो बता, इन सारे कैंडिडेटा में कुलदीप बिश्नोई की कोई बराबरी कर सके के? हाँ भाई, कवे तो तू ठीक है, ये भाजपा वाले हमारे परिवार हल्के ने तोड़ना चाहे से, ये भाजपा वाले कदे किसी के ना हो सके। हाँ, और कुलदीप से नाराजगी तो हो सके, परिवार में तो मनमुटाव होया करे, पण अपने आदमी नू वोट डाले, कुलदीप अपनो आदमी है। ये भाजपा वाले रुक के तारते फिरे हैं भाई, हम आदमपुर का नामो निशान मिटा देंगे, चौधरी भजन लाल के परिवार ने खत्म कर देंगे। अरे मैं न्यू बूझू, ये आदमपुर के ठेकेदार हैं के हैं? तुम भी दोनों भी यू ही चाहो? ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। यो चुनाव कुलदीप बिश्नोई का चुनाव ना से, आदमपुर की आन बान शान का चुनाव से। अरे जब मैं वोट डालने जाऊंगा ना, तो उसके हक में 10 वोटा और डलवाऊंगा भाई, आदमपुर का विकास कुलदीप बिश्नोई कर सके। अरे इन भाजपा वालों के पास कुलदीप के खिलाफ कहने को कुछ है ही नहीं, ये तो झूठी अफवाहें फैलाते फिर हैं। अंधा कोनी, मिलदा कोनी, संभालदा कोनी, कुलदीप अपनो आदमी है और मारी खातर संघर्ष कर रहा, तो अपना भी फर्ज बना कुलदीप ने मजबूती देन का, और आज तक इतने काम करवाए और इस परिवार के किसी आदमी ने एक पीसा नहीं लिया किसी काम का, और हमेशा दूसरों का बड़ा किया, तो बताओ क्यों ना हम अपना वोट कुलदीप बिश्नोई के खाते में दे, में आदमपुर को कुलदीप ही संवार सके। हाँ भाई, तू ठीक कहे से, मैं भी इनकी बातों में आके उल्टे सीधे सवाल करने लग गया भाई, मैं भी मान गया कि आदमपुर कुलदीप, कुलदीप और आदमपुर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अरे इब तो तेरे माथे में पड़ गई, इब तो कुलदीप बिश्नोई ने वोट देवेगा, इसमें भी कोई शक रह गया कि अब? और एक बात अच्छी तरह से समझ लो भाई, कुलदीप है तो आदमपुर का नाम है, और इसने जो राह दिया तो समझ लो आदमपुर भी बर्बाद हो जाएगा। मजबूत नेतृत्व, मजबूत आदमपुर।